सुप्रभात, आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का बहुत स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुशी की वजह भी है। एक वजह तो ये है कि आज है अष्टमी और नवमी का दिन। ये जो सुबह सुबह मंत्रोच्चारण होता है इसका कुछ अलग ही वाइब है। और दूसरी वजह है ये, जी हाँ, पतिदेव भी आ गए हैं। उन्हीं को लाने सुबह सुबह गए थे स्टेशन। हाय। और यहाँ पे हो रही है बलिदान की तैयारी। इस बार का जो समय है वो चाहे अष्टमी पूजा का हो या फिर संधि पूजा का या फिर बलिदान का, वो बहुत ही सुबह सुबह है। हम लोग अष्टमी पूजा का पुष्पांजलि दे के और यहाँ पे बैठे हैं बलिदान देखने के लिए। ये जो बलिदान है वो सही समय पे, एकदम एक्यूरेट समय पे होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक पंडित जी देख रहे हैं समय, तो दूसरे बिल्कुल तैयार है बलिदान के लिए। इस समय माँ के पास बैठ के माँ से बस इतनी ही विनती है, इतनी प्रार्थना है कि माँ, इन बलिदान की चीज़ों के साथ साथ मैं अपनी सारी नेगेटिविटी, सारी अशुभता को भी बलिदान दे पाऊँ, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। इवनिंग का नज़ारा। कॉमिटी की तरफ से बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जैसे कि म्यूजिकल चेयर, मोमबत्ती जलाना, डांस और भी बहुत सारे प्रोग्राम थे। गांव के मैक्सिमम लोग इस कल्चरल प्रोग्राम को देखने आए थे और बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी किए थे। ये जो दुर्गा पूजा के 3-4 दिन होते हैं वो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशियों वाला दिन होता है। आप सभी इस कल्चरल प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए और छोड़ जाते हैं आपको माँ के आरती के साथ। मिलते हैं दशमी के ब्लॉग में। जय माँ दुर्गा।